प्रणाम नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जो है गंगा बोले बम बम पावर्ड बाय शुद्ध प्लस। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बाबा का दर्शन हुआ, बाबा से आशीर्वाद ली, अब हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। दीपक बम, हमारा अगला पड़ाव क्या है? बम बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा के बाद अब जो अगला पड़ाव है वो है बाबा बासुकीनाथ की। तो बम हम लोग आगे की तरफ चले? चला जाए बम। बोलो बम। अच्छा दीपक बम, आप हमको ये बताइए कि आपने घोड़ा से जाना ही क्यों पसंद किया? बम देखिए, वो चीजें हमारे देश से बाहर छूटती जा रही हैं, जिस चीज का प्रयोग आज के जमाने में नहीं हो रहा है, हम चाह रहे कि वो चीज हम आपको बताएं। जैसे कि बहुत साल पहले बाबा धाम की यात्रा के बाद लोग बासुकीनाथ ऐसे ही लोग जाते थे। अच्छा। लेकिन अब समय के साथ साथ बहुत कुछ बदला, बस ट्रक टमटम बहुत सारी सवारियां यहां से चलने लगी, जिससे हम लोग यहां से बासुकीनाथ तक की यात्रा करते हैं। इसमें ये सवारी मुझे बहुत बढ़िया लगता है, इसीलिए हम आपको कहे कि इसी से चला जाए, ठीक है? अच्छा। और हमको लग रहा है कि इस पर आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चारों तरफ का नज़ारा लेते हुए, मजा लेते हुए, आनंद उठाते हुए हम लोग यहाँ से बाबा बासुकीनाथ तक की यात्रा पूरी कर लेंगे। बाबा बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर है और बाबा बासुकीनाथ का जो मंदिर है, तो बाबा बासुकीनाथ के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट है, और बाबा बैद्यनाथ के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि हाई कोर्ट है। मतलब जो भी मुकदमे की सुनवाई में अगर थोड़ा विलंब लगता है, कहीं अगर थोड़ी सी देरी होती है, तो फौरन सुनवाई होती है बाबा बासुकीनाथ के मंदिर में। काले के शिव के मनाई बहु शिव मानत नाई। बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक करने के बाद कंवरिये बढ़ चलते हैं बासुकीनाथ मंदिर की ओर। कई कंवरिये पैदल ही बासुकीनाथ धाम पहुंचते हैं, लेकिन अधिकांश कंवरिये वाहन द्वारा यहां तक की यात्रा करते हैं। बासुकीनाथ का मंदिर बाबा बैद्यनाथ धाम से 42 किलोमीटर दूर दुमका जिले में स्थित है। बाबा बैद्यनाथ धाम में जो कंवरिये जलाभिषेक करते हैं, वे बासुकीनाथ मंदिर में भी जलाभिषेक करना नहीं भूलते। कहा जाता है कि जब तक बासुकीनाथ मंदिर में जलाभिषेक नहीं किया जाता, तब तक बाबा बैद्यनाथ धाम की पूजा अधूरी रहती है। सुल्तानगंज की उत्तर बाहनी गंगा से जिन दो लुटकियों में जल भरा जाता है, उनमें से एक लुटकी जल बाबा बासुकीनाथ के लिए ही होता है। हम सुल्तानगंज से जल भर करके उसके बाद में हम देवघर आए, और देवघर में बाबा के जल चढ़ा करके फिर हम बासुकीनाथ पैदल जा रहे हैं। बाबा से की मांगेगा, धन दौलत जितना खुशी बाबा जी के रहेगा उतना देगा, अपना मन से देथिन। ये यात्रा है बाबा बासुकीनाथ धाम की ओर, आइए आगे बढ़ते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम पर जल अर्पण करने के बाद ये सारे कंवरिया पहुंच रहे हैं बाबा बासुकीनाथ। आइए इनसे बात करते हैं कैसे कैसे यहाँ पहुंचे। बाबा से सर अपना कष्ट हरने के लिए आए हैं, और मांगने के लिए बाबा से कुछ नहीं आते हैं, श्रद्धा। हाँ, बाबा अगर जानी है वो अपने आप देते हैं। बाबा बैद्यनाथ में जो मांगे हाजिरी लगाने बासुकीनाथ जा रहे हैं, यहाँ हाजिरी लगता है बासुकीनाथ पे। ये जो यात्रा आप देख रहे हैं सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम, और अब बैद्यनाथ धाम से बासुकीनाथ धाम की यात्रा है,
ये लगभग 42-43 किलोमीटर की लंबी यात्रा है। कुछ लोग चलकर आते हैं, कई लोग बम आपको रास्ते में यहाँ भी पैदल चलते हुए आएंगे, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ भी चल करके आना है। आप अपनी किसी भी बस से, ट्रक से, किसी भी चीजों से आप यहाँ आ सकते हैं। ये सारे कवरिया बम इस बस के मदद से बाबा बासुकीनाथ धाम पहुँच रहे हैं। इनके साथ हम भी हैं, बाबा के दरबार में पहुँचेंगे, उनका दर्शन करेंगे और वहाँ लगने वाली मेला हम आपको दिखाएंगे। तो मनीष बम, हाँ बम, हम लोग बाबा धाम के बाद पहुंच गए हैं श्री श्री 108 बाबा बासुकीनाथ धाम में। और बम जी, इस धाम के दरवाजे पर देखिए भोले बाबा के जो बसहा बैल हैं वो यहाँ पर कैसे विराजमान है। बम जी, बोलो बम, ये बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर देख करके इनको। बोलो बम, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि क्या महत्व है इस पावन पवित्र धरती का। बोलो बम, बोलो बम, बोले बाबा बासुकीनाथ की। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि बाबा बैजनाथ के दरबार में अगर दीवानी मुकदमों की सुनवाई होती है तो बासुकीनाथ में फौजदारी मुकदमे की सुनवाई होती है। कहते हैं बासुकीनाथ में शिव का नागेश रूप है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मनीष बाबू, हाँ बाबू, आप ये जो जगह देख रहे हैं ये बाबा बासुकी धाम की शिव गंगा है। वैसे ही जैसे बैजनाथ धाम की शिव गंगा है। जी बिल्कुल, जैसे बाबा धाम में लोग शिव गंगा में नहाने के बाद में जाकर के बाबा को जल चढ़ाते थे, ठीक वैसे ही यहाँ की भी प्रक्रिया है। बम लोग आते हैं, पहले यहाँ शिव गंगा में नहाते हैं और फिर उसके बाद लोग यहाँ से जाकर के बाबा को जल अर्पित करते हैं। बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। चलते रहने का नाम है। इंसान अपने सुख सुविधा के लिए ना जाने क्या क्या करता है, हर कुछ पाना चाहता है, हर कुछ हासिल करना चाहता है और ये करते करते एक दिन थक जाता है, परेशान हो जाता है, रुक जाता है। ऐसे वक्त में मैं यही कहूँगा कि एक बार आप बाबा बैजनाथ धाम जरूर आइए। और हाँ, बासुकीनाथ तो आइए ही आइए। देख रहे हैं ये बाबा बैजनाथ धाम पर गंगा जल अर्पण करने के बाद बाबा बासुकीनाथ के पास पहुंचे हुए हैं। और जो जल बाबा बैजनाथ धाम ग्रहण करते हैं वही जल बाबा बासुकीनाथ ग्रहण करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि बाबा बासुकीनाथ की कहानी क्या है। कहा जाता है कि बासुकी नाम का एक किसान जमीन पर हल चला रहा था, तभी उसका हल किसी पत्थर के टुकड़े से टकरा गया और वहां दूध बहने लगा। उसे देखकर बासुकी भागने लगा। तब आकाशवाणी हुई, तुम भागो नहीं, मैं शिव हूं, मेरी पूजा करो। तभी से यहां पूजा होने लगी। कहा जाता है कि बासुकी के नाम पर इस मंदिर का नाम बासुकीनाथ धाम पड़ा। ये हजारों साल पहले यहां पूरा हिंदुस्तान में पूर्ण अकाल हुआ था। आदमी को खाने के लिए अन्न नहीं प्राप्त हो रहा था, कंदमूल खा के आदमी अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। उसी कंदमूल खोदने में बासु भक्त के द्वारा
बाबा के ऊपर खंती लगी और रुधिर की धारा निकलने लगी, तो वो भय से भागने लगे। अपना नाम तो बताया उसमें, जब मैं नागनाथ हूँ, तुम्हारी सेवा करो, सारा दुख दूर होगा सबका, और जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक आके मेरा सेवा अर्चना करेगा उसकी मैं कामना पूरा करूँगा। लेकिन आकाशवाणी की बात वो भय से भूल गए। फिर बाद में शिवगंगा से पुष्करणी से जल ला के वहाँ स्नान कराया गया, साफ किया गया, तो ये शिवलिंग वासु को प्राप्त हुआ। लेकिन वो पूजा काल में पूछते हैं, बाबा आप तो हमको नाम बताए थे लेकिन हम तो नाम भूल गए, हम आपको किस नाम से पूजा करें। तो रात में स्वप्न में बोलते हैं बाबा जी कि वासु तुम अपना नाम तो नहीं भूलोगे, तुम हमको बासुकीनाथ के नाम से पूजा करो। लेकिन है ये दरअसल नागनाथ और ये कामना लिंग है। दीपक भाम, मुझे ऐसा लगता है कि जितना भीड़ बाबा बैजनाथ धाम के पास है उतना ही भीड़ यहाँ भी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, जो लोग सिर्फ बाबा बैजनाथ धाम में ही जल चढ़ाते हैं, जो यहाँ नहीं आते हैं बाबा बासुकीनाथ में, उनकी पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। इसीलिए सारे भक्तगण बाबा बैजनाथ में जल चढ़ाने के बाद में बाबा बासुकीनाथ का लोग अभिषेक करने के लिए आते हैं। मतलब कहने का मतलब, जो वहाँ जल चढ़ाते हैं वो यहाँ जल चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, जिसके कारण जैसा मेला जैसा वहाँ होता है वैसा यहाँ भी रहता है। जी एक बात और है, ये कहा गया है कि बाबा बैद्यनाथ हाई कोर्ट है तो बाबा बासुकीनाथ सुप्रीम कोर्ट है। आपके जिस मुकदमे की सुनवाई वहाँ पे आधी अधूरी रह गई है या फिर उसका फैसला होने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, तो बाबा बासुकीनाथ के मंदिर में उसका फैसला अति शीघ्र होता है बम जी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ का फैसला एकदम अटल है। ये सुनवाई, ये फैसला का मतलब ये हुआ हमारी मनोकामना की सिद्धि, हमारे मनोकामना की पूर्ति हो जाती है बम जी यहाँ पर आकर के। क्या बात है, बोलो। जो भी यात्री लोग यहाँ आते हैं बाबा के पास और अपना आराधना करते हैं, अपनी इच्छा को मांगते हैं, तो बाबा जल्दी पूरा करते हैं, इसलिए ओजारीनाथ हुआ। देवघर वाले हैं कि वहाँ लेट से सुनते हैं इसलिए वो दीवानी हो गए। मन टूटता है, सोचते हैं कि अभी गाड़ी में बैठे और चल दे, पर जो हमारे दोस्त रहते हैं, हमारे जो साथ रहते हैं, वो हमें इतना मजबूर कर देते हैं चलने के लिए, तो चलना पड़ता है। चलने के बाद 70 किलोमीटर के बाद आपका मन अपने आप करेगा कि आप पैदल ही जाओ, आप कहीं रुको मत, आपका मन अपने आप करेगा। बहुत आनंद आया, बाबा के दर्शन हुए, तृप्ति हुई। यहाँ जल सुदान से जल उठाया था और यहाँ पे बाबा का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर से यहाँ पे बाबा बासुकीनाथ का मंदिर में आए और यहाँ पे अभी तक तो कुछ खाया नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। देखो बढ़िया दर्शन हुआ है, भोलेनाथ बढ़िया हमको दर्शन दिए। उसके बाद हमने बस के माध्यम से फिर बासुकीनाथ आए। बासुकीनाथ में बड़ा अच्छा हमको दर्शन हुआ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई है, बहुत खूबसूरत अच्छे दर्शन हुए हैं। अब बोलना तो बहुत खुश किए हमको। हम कई साल से आ रहे हैं, हम लोग नेहरडी मतलब बंगाल से आ रहे हैं, गौरीपुर से, श्री श्री बाबा बैद्यनाथ कांवरिया संघ की तरफ से 21 साल का यात्रा है। हम लोग सुल्तानगंज से पैदल यात्रा करते हैं, बैद्यनाथ धाम होकर बासुकीनाथ धाम आते हैं। 30 साल का व्यवस्था बहुत सुंदर लगा, जो धक्का मुक्की था वो चीज़ नहीं मिला है, शांति से पूजा करने सके हैं, यही चाहते हैं हम लोग। बाबा बासुकीनाथ शिव के नागेश रूप है। दीपक बम, कैसे होती है इनकी पूजा? बम जी नागेश, नागेश मतलब नागों के ईश्वर, नागों के भगवान। अब चूंकि नाग को दूध पिलाया जाता है इसीलिए बाबा बासुकीनाथ को दूध से भी अभिषेक करते हैं बम। तो आइए जानते हैं कैसे होती है ये पूजा। बासुकीनाथ मंदिर, यहाँ बसता है शिव का नागेश्वर रूप। यहाँ पूजा में अन्य सामग्रियां तो चढ़ाई ही जाती है, लेकिन यहाँ दूध से पूजा करने का काफी महत्व है। कहा जाता है कि नागेश के रूप के कारण दूध से ही पूजा करने से भगवान शिव खुश रहते हैं और अपने भोलेनाथ को खुश करने के लिए कोई अवसर भक्तगण नहीं छोड़ना चाहते। वे जब भी बासुकी धाम आते हैं बासुकी बाबा को दूध चढ़ाना नहीं भूलते। वर्ष में एक बार यहाँ महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है। बाबा बैजनाथ धाम की तरह ही बासुकीनाथ में भी पूजा अर्चना का भव्य आयोजन होता है। सावन माह में लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन को आते हैं और अपना शीश नवाते हैं। गंगा जल, धतूरा, फूलमाला और बेलपत्तर से बाबा बासुकीनाथ को प्रसन्न किया जाता है। जो भी सामग्री हो और अपने मन के भक्ति को उद्गार से इनको पूजा करने के बाद ये प्रसन्न होते हैं। भक्तों में होड़ लगी रहती है कि कौन बाबा बासुकी के दर्शन कर उनकी कृपा का पात्र बनेगा। भोला जी के दर्शन किए हमने, गंगा माई के दर्शन किए, यहाँ नाग जी के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा हमारे को, जिंदगी हमारी सफल हो गई है। हर साल आते हैं, हम तो 25 साल से इधर ही आते। जलाभिषेक, फूल और बेलपत्तर के बाद
जब सुगंधित धूप दीप जलाई जाती है तो सारा वातावरण महक उठता है। लगता है कि बस सारी चिंता से मुक्त होकर बास्की में ही लीन हो जाए। यहाँ आदमी की मनोकामना पूरी होती है तो अपनी कामना के लिए बाबा को यहाँ पूजा करते हैं और ये भीड़ बारह महीना लगा रहता है। अभी हम बाबा बासुकीनाथ मंदिर परिसर में हैं और हम जानेंगे कि जो कमरिया यहाँ पर जल चढ़ाए हैं, जल चढ़ाने के बाद इनकी क्या आस्था है, ये बाबा बासुकीनाथ से क्या मांग रहे हैं। दुख कलेश हरे बाबा भोला भंडारी भर भंडार भरो, और क्या सुख और समृद्धि की प्राप्ति मांगने के लिए आते हैं लोग बाग। यहाँ हम भी वही चीज मांग रहे हैं बाबा बासुकीनाथ से, अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि मांग रहे हैं मालिक। धन मांगे, जान मांगे, बेटा के नौकरी मांगे, अपनी शरीर परिवार को पूरे फैमिली को तंदुरुस्त मांगे। भोलेनाथ से दर्शन भेंट करने आए तो भेंट हो गया। बोल बम, जिंदगी चलते रहने का नाम है। इंसान अपने सुख सुविधा के लिए ना जाने क्या क्या करता है, हर कुछ पाना चाहता है, हर कुछ हासिल करना चाहता है और ये करते करते एक दिन थक जाता है, परेशान हो जाता है, रुक जाता है। ऐसे वक्त में मैं यही कहूँगा कि एक बार आप बाबा बैजनाथ धाम जरूर आइए, और हाँ बासुकीनाथ तो आइए ही आइए, यहाँ आपको बहुत सुकून मिलेगा। देखिए दीपक बम भी निकल गए, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण फायदा ये होता है कि जब कांवड़िए पैदल इतनी दूर की यात्रा करते हैं तो पसीना आने के कारण उनके शरीर में नमक की मात्रा बहुत कम हो जाती है और इस कमी को इन स्वादिष्ट चटपटे अचार के माध्यम से पूरा किया जाता है। बाबा बासुकीनाथ के दर्शन हुए, हमने उनका आशीर्वाद लिया और हमारे साथ साथ आपके पास भी उनका आशीर्वाद पहुंच रहा होगा। बहुत मज़ा आया, पूरा मंदिर घूमने में क्या आनंद आया कहना ही क्या, और दीपक बम हर चीज़ हमको समझाते रहे, हमको बताते रहे, पूरा माहौल ऐसे भक्तिमय हो गया। दीपक बम अब हम चाह रहे हैं कि जो मेला है हम उसका भ्रमण करें। बिल्कुल बिल्कुल भाई, घूमना ही चाहिए, ये मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है। लेकिन बम जी, हाँ जी, मेले का आनंद सिर्फ आप ही उठाइए और मुझे कहीं पर विश्राम करने दीजिए बम जी। तो बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। कहीं बच्चे खिलौने के लिए मचलते हैं तो कहीं महिलाएं चूड़ी खरीदने से खुद को रोक नहीं पाती, कोई घर वालों के लिए यहाँ प्रसाद खरीदने में व्यस्त है तो किसी को खुद ही खाने से फुर्सत नहीं। हर रंग है इस भव्य श्रावणी मेले में। बाबा के दर्शन से फुर्सत पाकर अपनी थकान मिटाने भक्तजन मेले का रुख करते हैं। तरह तरह के अचारों से सजी दुकान आपको इस मेले में मिलेंगे। कांवड़िए आते हैं और खूब अचार खरीद कर खाते हैं। देखा जाए तो इनके दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि ये स्वादिष्ट अचार आपके खाने के स्वाद को बढ़ाता है, दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण फायदा ये होता है कि जब कांवड़िए पैदल इतनी दूर की यात्रा करते हैं तो पसीना आने के कारण उनके शरीर में नमक की मात्रा बहुत कम हो जाती है और इस कमी को इन स्वादिष्ट चटपटे अचार के माध्यम से पूरा किया जाता है। इन अचारों को लोग खाते हैं और खरीद कर घर भी ले जाते हैं। खाने पीने का सामान हो या साज सज्जा का, ऐसी कोई चीज नहीं जो मेले में न मिलती हो। भयंकर थकान के बाद भी लोगों के अंदर इतनी ऊर्जा देखने लायक होती है, सारी थकान खत्म हो जाती है इस मेले में आकर। ये भी एक खासियत है इस मेले की। मेले में
घूमने का मजा ही अलग है, तरह तरह के चीज देखने को खाने पीने को मिलता। आइए चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। ये सब पूजा वूजा का सामान खरीद रहे हैं, घर जल कुछ बच्चे बच्चे को सब सामान खरीद रहे हैं। बच्चे के लिए क्या खरीदिएगा? खिलौना वगैरह। यहाँ हर चीज मिलता है, चूड़ी लाठी हो, औरतों का सामान हो, मर्दों का सामान हो, ये छैटी भी है वो भी मिलता है, टोकरी वगैरह। हम लोग जल चढ़ाते हैं और जमकर हम लोग यहाँ खरीदारी करते हैं। इसमें हर तरह का, हर तबके का आदमी आते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, और हर चीज यहाँ उपलब्ध है। प्रसादी के रूप में पेड़ा, दाना, चूड़ा और मनिहारी सामान, हर चीज यहाँ उपलब्ध है। गाड़ी का प्रशासन का भी व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। बाबा बासुकीनाथ धाम के मेला भ्रमण के बाद लौटते में हम पेड़ा खरीद रहे हैं। यहाँ का पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है। दीपक बम, क्या खासियत है इस पेड़े में? बम जी, यहाँ के पेड़े में एक खासियत है कि यहाँ पर पेड़े की मात्रा में 20% ही मात्र चीनी होता है और 80% खोए की मात्रा होती है। तो बम जी, यहाँ का पेड़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसीलिए भक्त लोग बाबा बासुकीनाथ से लौटते वक्त यहाँ से बम लोग प्रसाद लेकर के जाते हैं अपने घर, और अपने भी खाते हैं और अपने भाई बंधु सकल समाज को भी लोग खिलाते हैं। तो बोल बम। तो देख क्या रहे हैं, घर से निकलिए, सुल्तानगंज पहुंचिए, वहां से आइए बाबा बैजनाथ धाम और वहां से आइए बाबा बासुकीनाथ, और तब खरीदिए पेड़ा। पेड़ा बहुत टेस्टी है। बोल बम, पेड़ा ले लिए हैं बम। बोल बम, तो बाबा बासुकीनाथ धाम की इस यात्रा को हम यहां विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप देखते रहिए गंगा बोले बम बम, पावर्ड बाय शुद्ध प्लस, और हाँ, बाबा के भक्ति में लीन हो जाइए। बोल बम।